زخموں کی طرف بڑھا زینب دور کے بھی
अरे बीवियों तुम्हारी जाने की है। कभी ना शिव ने लीला पे पढ़ा एक मरतबा कभी लैला का खेमा जला। कभी ने फरमा का खेमा जला, कभी दूसरी बीवियों का खेमा जला। बीवियां एक खेमे से दूसरे खेमे में आ जाती थी। अजादो सुनाओ रोने का चुपला। जब मेरा बाप का खेमा जल रहा था, रानी बयान करता है, वो मेरा बाप बार बार जलते हुए खेमे में जाती थी। किसी ने सैयद सज्जाद से पूछा था, मौला इस बीवी का खेमे में क्या रह गया। सैयद सज्जाद रो के फरमाया, अरे ये मेरी अम्मा का बाप का खेमा। सज्जाद का बिस्तर चलने लगा, ज़ैनब ने देखा मेरे भैया की निशानी। अली की बेटी जलते हुए खेमे में दाखिल हुई, सज्जाद को अपनी पुश्त पे के सवार किया। अरे मेरे भैया की निशानी है। शामे गरीबा है, शामे गरीबा है। उसे कहा पता हो जाए। सैयद सज्जाद सुने क्या जुमला। सैयद सज्जाद का जब बिस्तर खींचा तो सैयद सज्जाद जमीन पे ऐसे औंधे गिरे और हुसैन के बच्चे शामे गरीबा में ऐसे बिखर गए कि जैसे जब तस्री का धागा टूटता है और दाने इधर उधर बिखर जाते हैं। अरे कोई बच्चा उधर गिरा, कोई बच्चा इधर गिरा। अरे जब खेमे जल गए, अब चादरें छीनने की बारी आई। उम्मे फरवा की चादर छिनी, उम्मे लैला की चादर छिनी, उम्मे रबा की चादर छिनी। सारी चादरें तो छीन ले, शोर की बेटी ज़ैनब की चादर की तरह पड़ा। लेकिन मख्तल की किताबें बताती है, अरे शहजादी ज़ैनब के सर में 17 बालों के रेशा मारा। जब चादर छीनी है किसी ने सबब पूछा, सैयद सज्जाद कहते जब भी चादर छीनना चाहता था ज़ैनब चादर का कोना पकड़ लेती थी। चादर छीन का नेजे में उलझा
मौला ने फरमाया बेटी सैना तेरे काफिले में ये तेरी बात हो
Allah, 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 Allah